इस कहानी की शुरुआत में हमें जन्नत के दरवाज़ों को दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी अंदर जाने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन गॉड उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे जादुई ड्रैगन बनाकर धरती पर भेज देते हैं। वही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक डिन नाम का बच्चे को दिखाया जाता है, जहाँ टीचर उसे क्लास में पढ़ा रही होती है, लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और ड्रैगन की ड्राइंग बना रहा होता है। इससे टीचर उसे बाहर निकाल देती है। ऐसा ही एक लीना नाम की लड़की के साथ होता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तब सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं, लेकिन डिन की मॉम उसे लेने नहीं आती, क्योंकि डिन के फादर का देहांत हो गया था और उसकी मॉम हमेशा काम में बिजी रहती थी। इसे देखकर लीना उसके पास आती है और उससे कहती है, मेरे डैड हमेशा लेट आते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर डिन काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अब वो दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो कि वो एक चौल में रहते थे, साथ में खाते, साथ में पीते और मस्ती करते और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद लीना के डैड लीना को बेटर फ्यूचर देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे डिन काफ़ी उदास हो जाता है। लीना उसे समझाती है कि मुझे जाना ही होगा। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और अब डिन बड़ा हो जाता है और कुछ पैसे कमाने के लिए डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिलता है और वो उसे अपने लिए भी कॉलेज का असाइनमेंट लाने के लिए कहता है। तो उसे कहता है, तुम 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं आए हो। तो वो उसे कहता है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगले हफ्ते लीना का बर्थडे आने वाला है और मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करने का सोच रहा हूँ। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो दोस्त मान जाता है। फिर डिन को उसकी लास्ट फूड डिलीवरी देने जाना होता है, जहाँ पर उसे एक मैंडरिन बजाने वाला बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उससे कहता है, मैं देवता हूँ। डिन को यकीन नहीं होता। फिर वो बूढ़ा आदमी डिन को एक टीपॉट देता है और उसे कहता है कि इस टीपॉट से तुम्हारी हर एक विश पूरी हो सकती है, तुम सूप के बदले ये ले जाओ। फिर डिन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पर उसकी माँ गुस्सा करती है, तो डिन झूठ बोलता है कि मैं दोस्त के घर पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त भाई आ जाता है और सब कुछ बता देता है। ये सुनकर डिन की मॉम बहुत गुस्सा होती है और उसको पीटती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिन पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ चोर उसी टीपॉट को ढूंढते हैं और वो गार्ड को पीट कर अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो टीपॉट को ढूंढने लगते हैं। वही डिन की मॉम रात में सो जाती है और डिन घर की रूफ से निकल कर दूसरी जगह पहुँच जाता है, क्योंकि उस जगह पर लीना का पोस्टर लगा था, क्योंकि कल लीना का बर्थडे था, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहता था और लीना को उसके दिल की बात बताना चाहता था, क्योंकि वो अभी भी लीना को अपना दोस्त समझता था और वो पिछले 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए वो अपने दिल की बात बताने के लिए तैयारी करने लग गया। तभी उसका सूट फट जाता है और वो काफ़ी उदास होता है और लीना के पोस्टर से कहता है, मेरी बस एक विश है कि मैं हमारा किया हुआ वादा हमेशा निभाता रहूं, कि हम हमेशा दोस्त रहे। उसकी विश की वजह से वो टीपॉट एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक पिंक कलर का विश ड्रैगन निकलता है, उसका नाम लॉन्ग होता है। डिन को यकीन नहीं होता कि ड्रैगन सच में मौजूद है, उसे लगता है कि कोई उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। ड्रैगन उसे विश्वास दिलाता है कि वो सच में एक विश ड्रैगन है। वो डिन को मैजिक करके बताता है और उससे कहता है कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें बना सकता हूँ, तुम्हारे पास 3 विश है। तो डिन उससे अजीब अजीब सवाल पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम क्यों आए हो, तुम इस टीपॉट में कैसे घुसते हो, और उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालों के लिए टाइम नहीं है, और उससे कहता है कि हर एक विश ड्रैगन की अपनी ज़िंदगी में अपने आकाओं की सेवा करता है और बस उसके बाद उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और तुम मेरे आखिरी आका हो और मैं 10,000 सालों से इस टीपॉट में फंसा हुआ हूँ। तभी वहाँ वो गुंडे डिन के हाथ में वो टीपॉट देख लेते हैं, उसे पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, वो टीपॉट हमें चाहिए, और डिन उनसे कहता है, ये टीपॉट मेरा नहीं है। तभी वो गुंडे डिन से वो टीपॉट छीनने लगते हैं। तो डिन घबराहट में अपने आप से कहता है, काश मैं फाइट करना सीख जाता। तो ड्रैगन उसकी ये विश पूरी कर देता है, जिससे डिन कुंफू मास्टर बन जाता है। वो उन गुंडों को मारने लगता है। ये देखकर डिन बहुत खुश हो जाता है। वो उन गुंडों को बहुत मारता है। वही डिन पर उनका लीडर अटैक करता है, जिससे डिन बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो घर कमज़ोर होने की वजह से टूटने लगता है। इसी का मौका देखकर डिन वहाँ से भाग जाता है, और लेकिन वो गुंडे वहीं पर दब जाते हैं।
जब वो गुंडे अपने बॉस के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं तो उनके बॉस उस पर हैरान हो जाते हैं, और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो बॉस और कोई नहीं लीना के फादर होते हैं, और उन्हें पता था कि वो टीपॉट जादुई है, इसीलिए उन्हें उस टीपॉट को ढूंढने भेजा था। और जब वो गुंडे वैंग से पूछते हैं टीपॉट के बारे में, तो वो उनसे कहता है ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, इसलिए तुम अपना काम करो, अगर तुमने वो टीपॉट ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि कभी तुमने सपने भी नहीं देखे होंगे। तो वो गुंडे उनसे माफ़ी मांगते हैं। वही हमें यहाँ पर डिन दिखाया जाता है जो सुबह उठता है और उसे रात में जो कुछ हुआ वो सपना लगता है, लेकिन तभी वो टीपॉट की वजह से वहाँ से फिसल जाता है और सारा सामान नीचे गिरने लगता है। तो डिन अपनी कुंफू स्टाइल से सामान को पकड़ लेता है, उसकी मॉम को पता भी नहीं चलता और वो अपने काम पर निकल जाती है। जैसे ही डिन की मॉम वहाँ से चली जाती है, डिन सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेता है और वो ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। ड्रैगन उससे कहता है तुम्हारी एक विश पूरी हो गई है, अब तुम्हारी दो विशेस बची है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है, क्या तुम्हें दुनिया पर राज करना है या फिर ढेर सारा सोना चाहिए। तो डिन उनसे कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तभी डिन को लीना की पार्टी का ख्याल आता है और वो ड्रैगन से कहता है मैं विश के लिए तैयार हूँ, जहाँ पर डेन उसे लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर लॉन्ग फ्यूचर की अनोखी अनोखी चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि लॉन्ग एक पुराने ज़माने का आदमी था। फिर डेन उसे लीना के घर की तरफ ले जा रहा था, लेकिन लॉन्ग को इतने सारे लोगों के साथ बस में नहीं जाना था। तो डेन को वो कहता है कि टैक्सी में चलो, लेकिन डेन उसे कहता है कि टैक्सी में जाने इतने हमारे पैसे नहीं हैं। तो लॉन्ग वहाँ से एक आदमी के पैसे चुरा लेता है और कहता है ये मैं जादू से लाया हूँ। फिर वो टैक्सी से शहर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनको बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगता है। ट्रैफिक जैम से लॉन्ग बहुत परेशान होता है और वो डिन को अपने साथ उड़ाकर लीना के घर ले जाता है। लॉन्ग को लगता है कि डिन उससे गाड़ी बंगला मांगने वाला है, लेकिन डिन लीना की तरफ इशारा करता है और कहता है मेरी दूसरी विश है कि मैं लीना को वापस चाहता हूँ। लॉन्ग कहता है कि मेरे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता और किसी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जगा सकता। तो डिन कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लीना तो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है और यही मेरी विश है कि मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए। तो लॉन्ग उससे कहता है कि इस दुनिया में तुम जो चाहो मांग सकते हो, लेकिन तुम अपनी विश एक लड़की पर बर्बाद कर रहे हो। तो डिन उसे अपनी दोस्ती की स्टोरी सुनाने लगता है। इससे लॉन्ग काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि एक बच्चे की विश पूरी करना बहुत आसान काम है और ये करके वो हेवन में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लॉन्ग डिन से कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जगा सकता, तुम्हें दोस्त कैसे बना सकता हूँ। तो डिन उससे कहता है कि हम पहले से ही दोस्त हैं, मुझे तो बस लीना की पार्टी में जाना है। इससे लॉन्ग काफ़ी खुश हो जाता है और डिन उससे विश मांगता है कि उसे एक दिन के लिए प्रिंस बना दिया जाए, क्योंकि उसे मेरी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ उसे मिलना चाहता हूँ। तो लॉन्ग विश के उसे महंगी गाड़ी और कपड़े दे देता है और खुद उसका असिस्टेंट बन जाता है। फिर वो पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर डिन देखता है कि लीना बहुत बिजी हो चुकी है और वो एक स्टार भी बन चुकी है और सारे अमीर लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, और लीना के डैड हमेशा की तरह पार्टी में नहीं आए थे, जिससे लीना काफ़ी उदास हो चुकी थी। फिर डिन उसका मूड ठीक करने के लिए कुंफू स्टंट्स का शो करता है, लेकिन लीना उसको नहीं पहचानती और वहाँ से निकल जाती है। डिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि वो एक कमरे में बैठे बैठे रो रही थी। तो डिन उसकर जाके पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे डैड मेरे लिए वक्त निकाल कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो दोनों बातें करने लगते हैं। लीना को लगता है कि वो पहले कहीं मिल चुके हैं। तभी लीना के डैड का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और लीना के डैड से वीडियो कॉल पर बात कराता है। लीना के डैड लीना को पिछले बार की तरह ही एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उनका असिस्टेंट उन्हें डिन से मिलवाता है, जिसके वो महंगे जूते और उसकी रोलेक्स वॉच देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और वो डिन को उनके फैमिली बिजनेस के बारे में पूछते हैं, तो डिन उन्हें बताता है कि उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। से वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो एक रईस लड़का है, उसे उसका नाम पूछते हैं। तो डिन उनसे झूठ कहता है कि उसका नाम डैन है, जिससे कि लीना भी उसे नहीं पहचान पाती। फिर वे उन दोनों को लंच पे जाने के लिए कहते हैं और वे रेस्टोरेंट में उनके लिए एक टेबल भी बुक करते हैं। लीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रात को डिन और लॉन्ग घर की तरफ निकलते हैं, तो लॉन्ग उससे कहता है कि तुम दोनों का मिलन होना असंभव है, क्योंकि वो एक राजकुमारी है और तुम एक कंगाल हो, इसलिए तुम बाद में बहुत पछताओगे। तो डिन लॉन्ग से कहता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है, उस पर पैसे और हैसियत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लॉन्ग कहता है जैसे ही डीना को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो तुम्हारी लव स्टोरी का यहीं पर दी एंड हो जाएगा।
तो डिन उससे कहता है, तुम्हें इंसानियत पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं क्योंकि तुमने इतने साल यही सीखा है। तो लॉन्ग कहता है कि मैं हज़ारों सालों से इंसानों को देखता आ रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कैसा सोचते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वक्त बर्बाद मत करो और अपने लिए हीरे जवाहरात मांग लो, जिससे तुम अमीर बन जाओगे, जिससे मैं हेवन जा पाऊँगा। तभी डिन देखता है कि 10 बज गए हैं, उसकी मॉम घर पर आ गई होंगी, तो डिन उसे घर पर चलने के लिए कहता है। फिर हमें लीना के डैड को दिखाया जाता है, जिनकी कंपनी के शेयर गिर जाते थे और वो कर्ज में डूब रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो लोन लिए थे वो उनके लोन चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्हें धमकियों के कॉल आते थे कि अगर उन्होंने उनका पैसा नहीं लौटाया तो उन्हें उनकी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। इसलिए वोंग इतने दिनों से परेशान थे और इसलिए वो जादुई टीपॉट उन्हें चाहिए था, ताकि वो उससे अपने सारे प्रॉब्लम दूर कर सके। वही हमें दिखाया जाता है कि डिन अपनी मॉम के घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाता है। डिन की मॉम नोटिस करती है कि डिन कुछ दिनों से काफ़ी परेशान है। डिन की मॉम उससे पूछती है, मुझे बताओ कि क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तो डिन उनसे कहता है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकती। ये कह के डिन अपने रूम में चला जाता है। डिन की मॉम उसे खाना खिलाती है और उससे कहती है कि रात को खाली पेट नहीं सोते। तो डिन भी उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। फिर अगले दिन डिन लीना के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो तीन गुंडे ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उस लड़के के पास इतनी महंगी कार और कपड़े कैसे आ गए, तो इसलिए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर डिन जब उस 5-स्टार होटल में पहुंचता है तो लीना को सच बताने की कोशिश बहुत बार करता है, लेकिन तभी वहां पर वो तीन गुंडे आते हैं और वहां पर उस पर डिन पर अटैक करने लगते हैं। तो डिन लीना को लेकर वहां से भाग जाता है। लीना डिन को पूछती है कि ये लोग कौन है, तो डिन उससे कहता है कि वो लोग हैं जो अमीर लोगों को पैसों के लिए किडनैप करते हैं। तो फिर वो वहां से भागने लगते हैं और एक जगह पर जाके वो फंस जाते हैं। तब डिन लॉन्ग से हेल्प मांगता है और लॉन्ग एक ड्रैगन के पुतले में बदल जाता है। फिर वो दोनों ड्रैगन के पुतले में छिपकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फिर वो गुंडे भी वहां पर ड्रैगन का गेटअप लेकर उनका पीछा करने लगते हैं, जहां वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन डिन और लीना उन्हें वहां से गिराकर भागने लगते हैं और वो दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग के रूफ पर पहुंच जाते हैं। फिर वो गुंडे भी वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर लॉन्ग उन दोनों को लेकर वहां से उड़ जाता है। सभी को लगता है कि डिन और लीना ड्रैगन के पुतले की वजह से उड़ रहे हैं, इसलिए वो गुंडे भी उनके जैसा उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं। वही डिन और लीना को उड़कर बहुत मज़ा आ रहा था, जिससे लॉन्ग का ध्यान आगे से हट जाता है और वो सभी फायर क्रैकर से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, जहाँ डिन का सूट भी गायब हो जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके एक दिन के प्रिंस बनने की विश पूरी हो चुकी है। इसे देखकर लीना बहुत हैरान होती है और वो डिन से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े क्या हुआ। तो डिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम डेन नहीं डिन है। तो तभी लीना को याद आ जाता है कि वो डिन है, तभी उसे वो पुरानी बातें याद आती है। वो बचपन में उसके साथ इन्हीं गलियों में खेला करती थी और वो दोनों साथ में बातें करते करते ये दोनों इस जगह पर घूमते हैं, जिससे उनकी दोनों की यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। फिर डिन को लीना को लेकर अपने घर जाता है। फिर डिन की मॉम लीना को देखकर समझ जाती है कि डिन लीना को लेकर परेशान था, और चौल वाले लीना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सभी मिलकर साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब देखकर लॉन्ग बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आता है। रात को डिन लीना को लेकर ऊपर जाता है, जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे, जहाँ पर उन दोनों ने बहुत मस्ती करी थी एक साथ में। वहाँ पर डिन प्रॉमिस याद दिलाता है। यहीं पर लीना को ठंड लगने लगती है, तो डिन उसे उसका जैकेट दे देता है। और तभी तो डिन लीना से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। लीना को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसे कहता है कि 1 घंटे में तुम्हारा फोटोशूट है। तो लीना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिता कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। मेरे डैड ने मेरे फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करी है, इसलिए मुझे जाना ही होगा और अब हम फिर से नहीं मिल सकते। फिर वो वहाँ से चली जाती है, इसलिए डिन काफ़ी उदास हो जाता है। तब डिन की मॉम उसे समझाती है कि जब हम बच्चे होते हैं तब हालात अलग होते हैं, इसलिए तुम अब बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम अब हालात का सम्मान करना सीखो। तो डिन टीपॉट को लेकर रूफ पर चला जाता है और लॉन्ग से कहता है कि मैं मेरी तीसरी विश के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम मुझे अब अमीर बना दो, क्योंकि मुझे लगता था कि लीना मेरी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझे इतना अमीर बना दो कि मेरे पास पैसे की कभी कमी ना हो। तो फिर लॉन्ग कहता है कि तुम एक बार सोच लो। तो डिन उससे कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो मुझे शुरू से ही अमीर बनने का लालच दे रहे थे, इसलिए तुम अब मुझे जल्दी से अमीर बना दो और मेरी विश पूरी कर दो। फिर लॉन्ग उसे मैजिक से एक जगह पर ले जाता है। वही हमें लीना के फादर को दिखाया जाता है, जिससे उनकी हालत बहुत ख़राब होती है क्योंकि उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तभी उन गुंडों को कॉल आता है, वो उन्हें बताते हैं कि वो टीपॉट एक बच्चे के साथ है, जो कि उन्हें कल एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में दिखा था, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आया, वो बच गया।
तभी लीना भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपने डैड को बताती है कि मुझे जिस लड़के के साथ आपने भेजा था वो और कोई नहीं, वो हमारा डिन है जिसके साथ हम चौल में रहते थे। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम वहाँ कितने खुश थे, लेकिन उसके डैड उस पर बात पर ध्यान नहीं देते और वो समझ जाते हैं कि वो टीपॉट किसी और के साथ नहीं बल्कि डिन के साथ है। इसलिए वो तीन गुंडों को अपनी कंपनी के बाहर बुला लेते हैं और वो उनके साथ डिन के घर पर जाते हैं। लीना भी उन्हें उन गुंडों के साथ दे जाते हुए देख लेते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उन गुंडों के पास और कोई नहीं बल्कि उसके डैड है। वही हमें डिन दिखाया जाता है, जिसे कि लॉन्ग अपने मैजिक की मदद से ये बता रहा था कि मैं एक राजा के घर में पैदा हुआ था, जिससे मैंने बचपन में ही सीख लिया था कि दौलत ही ताकत है, और मैंने मन में तय किया था कि मैं इतना ज़्यादा अमीर बनूंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैंने अपनी प्रजा से बहुत काम करवाया और अपनी बेटियों की शादी बड़े घरानों में करी, जिससे मेरे राज्य की ताकत बढ़ सके, और मैंने अपने बेटों को खजाने की खोज में भेज दिया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पास इतना खजाना ज़मीन हो गई जितने की पहले किसी भी राजा के पास नहीं थी, लेकिन जब मैं मरने वाला था तब मुझे लगा था कि मेरे परिवार मुझे विदा करने आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया, जिससे कि मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैं जन्नत के दरवाज़ों पर था तो मुझे लगा था कि मेरा बहुत जुलूस से स्वागत होगा, लेकिन देवताओं ने मुझे एक विश ड्रैगन बना दिया और मुझे इस टीपॉट में बंद कर दिया और धरती पर भेज दिया, ताकि मैं 10 आकाओं की सेवा करके ज़िंदगी का असली मतलब सीख सकूं। और फिर डिन से कहता है कि तुम्हारे पास दोस्त और फैमिली का खजाना है, उससे बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। फिर वो उसे असली दुनिया में वापस ले आता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी विश है, इसलिए तुम कुछ ऐसा मांगो जिसकी तुम्हें सचमुच में ज़रूरत है। तभी लीना के डैड आ जाते हैं और वो डिन से टीपॉट मांगने लगते हैं, लेकिन अब उन गुंडों का लीडर समझ चुका था कि वो टीपॉट जादुई है, इसलिए वो डिन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो टीपॉट डिन के हाथों से छूटकर दूसरी जगह पर चला जाता है। डिन और उस आदमी के बीच में फाइट होने लगती है, जिससे कि वो डिन को नीचे गिरा देता है। तभी लीना के फादर टीपॉट के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी वो गुंडा उन्हें भी नीचे फेंक देता है और वो टीपॉट लेकर विश मांगता है कि उसे अपना एक हाथ सोने का चाहिए, जिससे वो किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे वो चीज़ सोने की बन जाए। फिर वो अपने गुंडों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर लीना आ जाती है, जो अपने डैड को घायल हालत में देखकर रोने लगती है। वो उन्हें कहती कि मुझे पैसा दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। उन गुंडों से टीपॉट लेने के लिए उनके कार पर पहुँच जाता है, लेकिन उन गुंडों के लीडर ने डिन पर अटैक करने लगता है और उसे अपने सोने वाले हाथ से छूने की कोशिश करता है, ताकि डिन को वो सोने में बदल सके। लेकिन डिन उसके वार से बच जाता है और वो उस अपने हाथ से अपनी खुद की गाड़ी को टच कर लेता है, जिससे कि उनकी गाड़ी पूरी सोने से बदल जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन डिन और वो गुंडा उस टीपॉट को पकड़ लेते हैं, जिससे कि लॉन्ग उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही गुंडा डिन से वो टीपॉट छीनता है, लेकिन डिन फिर भी उस गुंडे से टीपॉट के लिए फाइट करता है, लेकिन डिन उससे नहीं जीत पाता और वो उसे अपने सोने के हाथ से टच करने लगता है। तभी लॉन्ग डिन के बीच में आ जाता है। ये देखकर डिन उस गुंडे को लात मारता है और उस गुंडे का हाथ खुद को लग जाता है, जिससे कि वो सोने में बदल जाता है और लॉन्ग भी सोने में बदल चुका था, जिससे डिन भी नीचे गिरने लगता है। डिन लॉन्ग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुका था, जिससे डिन बहुत दुखी हो जाता है। वहाँ लॉन्ग हेवन में पहुंच चुका था, जहाँ गॉड उससे कहते हैं तुम्हारे लिए अब स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके हैं। तो लॉन्ग उनसे कहता है कि मैंने अभी मेरे 10वें मालिक की विश पूरी नहीं की है। तो गॉड उसे कहते हैं कि तुमने दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखा, जिसे कि तुम्हें अब जिंदगी का असली मतलब समझ चुका है। लेकिन लॉन्ग अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए वो गॉड से कहता है कि मुझे वापस विश ड्रैगन बना दो, मुझे एक और विश पूरी करनी है। तो गॉड उसे कहते हैं कि हम तुम्हें फिर से जाने देंगे, पर एक शर्त पर, कि तुम्हें फिर से 10 आकाओं की सेवा करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग अपने दोस्त के खातिर ये शर्त भी मान लेता है और वो वापस डिन के पास पहुंच जाता है। तो वहां पर डिन से कहता है कि अपनी आखिरी विश मांगो। डिन लीना के डैड को ठीक करने की विश मांगता है और लॉन्ग उसकी ये विश पूरी कर देता है, जिससे कि लीना के डैड ठीक हो जाते हैं। अब लॉन्ग वापस चला जाता है और उसका टीपॉट भी गायब हो जाता है। अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को गले लगाता है। डिन की मॉम उससे माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हें बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पाई। तो डिन उनसे कहता है कि आपने मेरे लिए सब कुछ किया है और मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। तब लीना के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और डिन से माफ़ी मांगते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं जानता कि तुमने क्या किया है। और वो साथ में डिनर करते हैं और लीना और डिन साथ में खुश होते हैं। लीना के डैड जब डिन की मॉम का बनाया हुआ सूप पीते हैं, तब उन्हें बहुत यमी लगता है, इसलिए वो साथ में मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहां वो सभी साथ में काम करते हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं। और
और जब एक दिन डिन टी कप्स लेने के लिए जा रहा था तो उसे लॉन्ग के जैसा एक टीपॉट दिखाई देता है, और वो जब उस टीपॉट को बाहर लेकर जाता है तो उसमें से लॉन्ग निकल कर आता है। डिन लॉन्ग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए। तो लॉन्ग वहाँ कहता है कि मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं वापस नीचे आ गया था क्योंकि मुझे तुम्हारी एक विश पूरी करनी थी। तो डिन उसे कहता है कि तुमने मेरे खातिर ये सब किया, और उसे हक कर लेता है। फिर डिन उस टीपॉट को एक साइकिल के पीछे रख देता है ताकि उसे अपना अगला मालिक मिल सके, और यहाँ पर ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है।